होना चाहिए। अब एकदम अगर टिप के ऊपर ये अपना सेंट्रोमियर है तो ये क्या हो गया अब जैसे स्पिंडल फाइबर्स इनसे अटैच करते हैं और पोल्स की तरफ खींचते हैं तो इसके यहां से ऐसे अटैच करेंगे तो बीच में से ऐसे खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा सा होगा इसको अगर खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा सा होगा ये वाला तो ये इससे रिजेंबल करते हैं ये अपना जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनसे रिजेंबल करते हैं जैसे जैसे ये किसके जैसा लग रहा है आई के ये कैसा लग रहा है जे की ये कैसा लग रहा है एल की ये कैसा लग रहा है के की तो इसीलिए उनका और क्या नाम है टेलोसेंट्रिक नाम आई टाइप ऑफ क्रोमोसोम जे टाइप एल टाइप और के टाइप इसके बेसिस पे सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे इनको ये नाम देते हैं। अब आपने इधर जो दो टर्म है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को हमने अभी पढ़ा है क्रोमेटिन और क्रोमेटिन अभी हम क्या पढ़ते हैं क्रोमेटिन फाइबर और कभी कभी हम बीच में वर्ड यूज लेते हैं क्रोमेटेड तो वैसे तो क्रोमेटिन फाइबर्स ये हम अगर इसकी बात कर रहे हैं ये तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन्स का ये जो थ्रेड है ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे क्रोमेटिन ठीक है और जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो इसका ये जो एक एक लेग इसको क्या कहेंगे हम क्रोमेटिड तो ये क्रोमेटिड और क्रोमेटिड में डिफरेंस है दो हो गए तो ये क्या है सिस्टर तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं है तो ये अपनी पूरी क्लास थी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इन चारों पार्ट को डिस्कस करना है। अब अगर न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है यानी कि लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है डीएनए उसको कैरी करता है तो प्रॉपर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जितना भी अपना ट्रांसफर होता है कोई भी गुणों का या कोई भी आपके कैरेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके शरीर का वो सारा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कौन डिसाइड करता है वो है डीएनए तो ये जेनेटिक मटेरियल का कैरियर है। सेकेंड मेटाबॉलिज्म कैसा होगा उसका भी पूरा कौन डिसाइड करता है न्यूक्लियस डिसाइड करता है कैसे एमआरएनए का ट्रांसफर साइटोप्लाज्म के अंदर सेल का मेटाबॉलिज्म कैसा है ये भी डिसाइड न्यूक्लियस ही करेगा क्योंकि जो एमआरएनए है उसको न्यूक्लियस के अंदर बनता है और वो फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर होता है और वहां पर फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो ये इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब कुछ वेरिएशंस भी होते हैं हम अपने पूर्वजों से कुछ अलग हैं वो वेरिएशंस भी कौन डिसाइड कर रहा है एक तरह से न्यूक्लियस ही डिसाइड कर रहा है कैसे उसी के अंदर डीएनए है डीएनए के अंदर वेरिएशंस होंगे तो वही आगे फिर ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं वेरिएशंस तो ये सारा काम किसका है न्यूक्लियस का तो दैट्स ऑल आज की क्लास में।